स्वागत है आपका भारत वॉइस में। जब से ये खबर आई है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश की किसी भी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं और अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार को ओपन ऑफर दिया है कि वो जिस सीट पर चाहेंगे चुनाव लड़े और समाजवादी और उसके जो सहयोगी दल है उसका समर्थन नीतीश कुमार को मिलेगा, उसके बाद से ही ये खबरें आ रही हैं कि यूपी की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं वाराणसी से और उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 65 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की तरफ से जो विचार किया गया है उस पर अभी मुहर नहीं लगी है। वैसे तो यूपी के किसी भी सीट पर चुनाव लड़ने का ऑफर है, लेकिन फूलपुर, मिर्जापुर और अंबेडकर नगर के जो कार्यकर्ता हैं वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार इन सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन कहा जा रहा है कि फूलपुर सीट को लेकर एक समन्वय बनता हुआ नजर आ रहा है और नीतीश कुमार शायद इसी फूलपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। प्रयागराज की जो फूलपुर लोकसभा सीट है वो काफ़ी ऐतिहासिक है। पंडित नेहरू 3 बार यहाँ से चुनाव लड़े और जीते, 1952 में, 57 में और 62 में, और तीनों बार वो चुनाव जीते और उसके बाद वो देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। उसी तरीके से नीतीश कुमार भी अब चाहते हैं कि उसी तरह का एक माहौल बने और फूलपुर से वो चुनाव लड़े। तो भले ही इस पर अभी कोई फैसला न हुआ हो कि नीतीश कुमार किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है कि वो बिहार नहीं उत्तर प्रदेश की किसी संसदीय सीट से चुनाव लड़ेंगे और फूलपुर संसदीय सीट जो है उसमें से अभी सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। एबीपी न्यूज़ के जो संवाददाता हैं उन्होंने यहाँ पर एक तरह से सर्वे करने की कोशिश की, लोगों से उनकी राय जानी। देखिए किस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर यहाँ के लोग उत्साहित नज़र आ रहे हैं। फूलपुर लोकसभा क्षेत्र के लोग हैं, 20 सीट से नीतीश कुमार यहां से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ये फूलपुर का सौभाग्य होगा कि यहां नीतीश कुमार जी आए। बिहार से आए हैं, ठीक है, लड़ना चाहिए, बड़े बड़े नेता हैं, लड़े और आ भी जाएंगे और लोगों ने उनको जिता भी दिया। ठीक है साहब, बनना चाहते हैं बने और जनता जो है उन्हें भारी बहुमत से जो है विजयी बनाएगी। तो पूर्वांचल की ये सीटें जो है वो बेहद खास मानी जाती हैं और यहाँ से कहा जाता है कि बिहार में भी इसका असर ज़रूर पड़ता है और प्रयागराज और फूलपुर का जो पूरा इलाका है, वाराणसी का जो पूरा क्षेत्र है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और इससे सटी हुई ये सीटें, इस पर नीतीश कुमार अगर चुनाव लड़ते हैं तो फिर माहौल बिल्कुल अलग हो जाएगा, बदल जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर वाराणसी के लोगों में भी बहुत निराशा और मायूसी है, क्योंकि लोगों को उम्मीद थी कि वाराणसी का चौतरफा विकास होगा, लेकिन हालत ये हो गई है कि जिन गांवों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोद लिया उन गांवों में भी सही तरीके से विकास नहीं हो पा रहा है, लोगों की उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, अस्पताल के लिए इलाज करने कहाँ जाते हैं आप लोग? बहुत दूर दूर जाए। कहाँ? राजा तालाब, बेनीपुर, मेहदीगंज, बहुत दूर दूर। इस गांव को कौन गोद लिया हुआ मालूम है आपको? नहीं, मोदी ले लिया ना। 20 किलोमीटर हम लोगों को जाना पड़ता है, कोई साधन नहीं, कोई दिक्कत, रोजगार के लिए इंसान। नागेपुर, आदर्श ग्राम नागेपुर जी। मोदी जी, मोदी कुछ नहीं, कुछ नहीं, रोजगार होता हम लोग करते हैं, खाते हैं और रोजगार कुछ नहीं, ना नाला है, ना सड़क है, कुछ नहीं है। तो उत्तर प्रदेश की फूलपुर सीट जहां पर पंडित नेहरू के अलावा कई बड़ी हस्तियों ने यहां से चुनाव लड़ा है, वीपी सिंह ने भी यहां से चुनाव लड़ा, इसके अलावा इस सीट का एक खास असर पूर्वांचल की बाकी सीटों पर बहुत देखा जाता है। तो नीतीश कुमार अगर यहां से चुनाव लड़ते हैं और विपक्षी एकता मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करती है तो जानकार ये बता रहे हैं कि बीजेपी की इस वक्त अगर 65 सीटें हैं 80 लोकसभा सीटों में से, तो भाजपा 15-20 सीटें अगर ले आए तो ये बहुत बड़ी बात होगी बीजेपी के लिए, क्योंकि माहौल वैसे भी बीजेपी के विपरीत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोगों की निराशा है और बीजेपी को लेकर लोगों के अंदर अब ये बात आम हो गई है, लोग ये समझने लगे हैं कि पार्टी के नेता अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं, जनता के हित का ध्यान नहीं रखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आकर अटकती है वहां पर जहां पर
विपक्ष के नेताओं में आपसी फूट और तकरार नजर आता है। उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी एक तरह से अघोषित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में फायदा पहुंचा देती है, तो उससे एक बड़ा नुकसान हो रहा है विपक्ष के नेताओं को। और लोकसभा चुनाव में क्या इसी तरह के माहौल रहेंगे या फिर विपक्षी एकता मजबूत होगा, इस पर सबकी नजरें रहेगी। अगर विपक्षी एकता मजबूत हो जाती है तब फिर भारतीय जनता पार्टी को सच में, जिस तरह से कहा जा रहा है कि एक दर्जन सीटें भी नहीं लेने दिया जाएगा, तो ऐसे हालात हो सकते हैं। उधर बिहार में भी 40 लोकसभा सीटों पर इसी तरह के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे 120 सीटें बनती है उत्तर प्रदेश और बिहार की, और इस वक्त एनडीए के पास 103 के करीब सीटें हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको अगर 10, 20 या 30 सीटों पर समेटना है तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी नहीं बल्कि जो विपक्षी एकता है उसको मजबूती के साथ चुनाव लड़ना होगा। देश के आम नागरिक हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो या फिर देश का युवा वर्ग हो, युवाओं के अंदर इस वक्त बहुत बेतरह नाराजगी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, केंद्र की बीजेपी सरकार को लेकर, क्योंकि पीएम मोदी ने 2 करोड़ युवाओं को नौकरी हर साल देने का वादा किया था और इस समय स्थिति यह है कि युवाओं की, करोड़ों युवाओं की नौकरी जा रही है। उनके सामने रोजगार का कोई सेटअप नजर नहीं आ रहा है और वो बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में वो जाएं तो कहां जाएं और किससे मदद मांगे। अभी एक दिन पहले ही आपने देखा कि कैसे 17 सितंबर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस होता है, उस दिन भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग तरह के कार्यक्रम किए थे, लेकिन देश के युवाओं ने इसको बेरोजगार दिवस के तौर पर मनाया और देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह के कार्यक्रम किए गए। कोई जूता पॉलिश करता नजर आया तो कोई पकौड़े बेचता हुआ नजर आया। तो युवाओं के अंदर बेतरह नाराजगी है इस सरकार को लेकर। ऐसी स्थिति में 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद मुश्किल भरा हो सकता है। वैसे भाजपा के पास इतने सारे संसाधन हैं, इतने पैसे हैं और इतने रिसोर्सेज हैं, मीडिया का पूरा साथ है, तो इसीलिए इतनी आसानी से भाजपा को मात तो नहीं दिया जा सकता है। लेकिन जनता अगर मन में ठान ले कि किसी सरकार को सत्ता में नहीं रहने देना है तो फिर सारी चीजें, सारी ताकत बेमानी हो जाती है। उधर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा संकट राहुल गांधी के रूप में भी आ रहा है, जिन्होंने कन्याकुमारी से अपने यात्रा की शुरुआत की है और राहुल गांधी की यात्रा बड़े जोरों शोर के साथ आगे बढ़ रही है। कश्मीर तक जाना है, महीनों तक का सफर है, लेकिन जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है और जिस तरीके से राहुल गांधी को लेकर जन सैलाब उमड़ रहा है, लोगों के अंदर उत्साह देखने को मिल रहा है, वो एक अलग माहौल बनाता हुआ नजर आ रहा है। बाबा रामदेव जैसे लोग राहुल गांधी की प्रशंसा करते हुए नजर आते हैं, जो पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूब तारीफें किया करते थे, वो अगर राहुल गांधी के डोले शोले की तारीफें करते हैं, उनके सड़क पर उतरने की तारीफें करते हैं। और इस तरीके से देश के युवाओं और बच्चों तक में राहुल गांधी को लेकर अगर बहुत उत्साह है तो माना जाए कि ये भाजपा के खिलाफ माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। पहले कहता था मैं टोले शोले तो बना रहा हूँ राहुल बाबा, अभी जो है मैदानी जंग में उतरा, तो उन्होंने जो जिम में टोले शोले बनाए थे, जो थोड़ा बहुत मेहनत की थी। और तो अब थोड़ा सा इंतजार करना होगा, देखना होगा कि आगे किस तरीके से जनता दल यूनाइटेड की तरफ से इस पूरे मामले पर फैसला लिया जाता है। लेकिन इतना जरूर है कि जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं वैसे वैसे विपक्षी एकता और मजबूत होती जा रही है और भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी होती नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भी हो, अगर नीतीश कुमार चुनाव लड़ने का फैसला कर लेते हैं तो सच में माहौल बिल्कुल बदलता हुआ नजर आएगा। और खास करके अगर वो फूलपुर जैसे खास संसदीय सीट से चुनाव लड़ते हैं तब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी एक बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। तो इस एपिसोड के बारे में अगर आपकी कोई राय हो तो हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।